नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पटवारी संघ की हड़ताल को लेकर यह बड़ी खबर। कल सीएम भूपेश बघेल से मिलने के लिए हड़ताली कर्मचारी पहुंचेंगे, पटवारी पहुंचेंगे। आज सीएम से मुलाकात नहीं होने के चलते पटवारियों की हड़ताल फिलहाल जारी है। पटवारियों की आज मुलाकात नहीं हो सकी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। कल ये माना जा रहा है कि सीएम से पटवारियों की मुलाकात होगी। आज पटवारी संघ की कार्यकारिणी की बैठक भी हुई, जिसमें निश्चित तौर पर यही चर्चा होगी कि मुख्यमंत्री की बैठक के बाद, उनके साथ चर्चा के बाद ये तय हो पाएगा कि आगे इस हड़ताल को जारी रखना है या फिर कोई बीच का रास्ता कहीं ना कहीं खोज कर निकाला जाता है। तो पटवारी संघ की कार्यकारिणी की बैठक आज हुई और साथ ही साथ कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बैठक होनी है और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि पटवारी संघ की हड़ताल जारी रहेगी या फिर पटवारी इस हड़ताल को यहीं खत्म कर देंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। रायपुर से उस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आज मुख्यमंत्री से चूंकि मुलाकात नहीं हो पाई है, इसलिए अभी भी संशय इस बात पर कि क्या पटवारी हड़ताल को खत्म करने पर सहमति देंगे। संघ कार्यकारिणी बैठक हुई आज पटवारी संघ की, जिसमें निश्चित ही इस बात पर चर्चा की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा की बात ही, अब इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। अलग अलग जिले जहां पर पटवारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, एस्मा भी राज्य सरकार की तरफ से लागू किया गया लेकिन उसका पालन भी नहीं किया गया। इतना आक्रोश पटवारियों में, तमाम मांगों को लेकर लगातार आक्रोश भी जाहिर कर रहे हैं और ये मांग भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुना जाए, कम से कम बातचीत इस पर हो और उसके बाद कुछ ना कुछ फैसला राज्य सरकार हित में ले। अब कल सीएम के साथ पटवारियों की मुलाकात होगी, कल क्या कुछ होना है ये भी हम समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। युगल, कल बातचीत होने वाली है, क्या कुछ स्थिति अभी तक साफ हो पाई इसे लेकर? देखिए अवंतिका, लंबे समय से पटवारी आंदोलन पर है, इसलिए जो मैदानी स्तर पर, जो धरातल पर जो काम होना है वो काफी प्रभावित हो रहा है। राजस्व से जुड़ा हुआ मामला हो चाहे शासन के अन्य मामले, और इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने एस्मा जो लागू किया है उसके बाद बीच का रास्ता अख्तियार किया गया है और पटवारी संघ और राज्य सरकार के बीच कई दौर का बातचीत है वो संपन्न हुआ है। कल भी एक जो सचिव स्तर के अधिकारी थे उनसे बातचीत हुई है और आज 7 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संभागीय कार्यक्रम में बाहर थे, व्यस्त थे, तो संभवतः इसकी वजह से कल ये मुलाकात की, आज जो मुलाकात होनी थी वो टल गई है। कल मुलाकात होगी और जिस तरह से चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे पटवारी संघ हो, सकारात्मक बात की चर्चा की बात कह रहे हैं और उम्मीद यही है कि लंबे समय तक चल रहे आंदोलन कल संभवतः समाप्त हो जाए या फिर पटवारी संघ है वो कल एक निर्णय ले ले, तो ये कयास यही है, उम्मीद यही है कि कल जो वार्ता है वो सफल हो और उसके बाद आंदोलन की हो सकती है वापसी की घोषणा भी वो कर सके। जी निश्चित। और पहले युगल ये भी बताया गया कि कार्यकारिणी की बैठक में जरूर इस पर चर्चा होगी कि आगे इस बैठक को आगे ले जाना या नहीं, लेकिन शायद इस वजह से अभी भी संशय क्योंकि मुख्यमंत्री से मुलाकात आज नहीं हो पाई, राजस्व अधिकारियों का भी कहीं ना कहीं साथ पटवारियों को मिल रहा है, अगर उसके बावजूद अगर बात नहीं बनती है तो क्या ये माना जाए कि पटवारियों की हड़ताल अभी भी निरंतर जारी रहेगी? देखिए अवंतिका, जिस तरह से अभी जो बातचीत का रास्ता चल रहा है, राज्य सरकार भी कड़े तेवर दिखाए हैं, एस्मा लगा है, उसके बाद सभी कलेक्टरों को अगर जो पटवारी काम पर नहीं लौटे हैं उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, अगर कार्रवाई होती है तो पटवारी संघों के लिए भी ये जो मुसीबत खड़ी हो सकती है, साथ ही साथ अगर आंदोलन घिसता है तो राज्य सरकार के लिए भी, आम लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी होगी। और अभी तक जिस तरह का बीच का जो मध्यस्थता, बीच का जो रास्ता अख्तियार किया गया है, तैयार किया गया है, तो उसे ये नहीं लग रहा है कि आंदोलन खींचेगा, जरूर कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलेगा, लेकिन अभी संघ की, पटवारी संघ की भी बैठक हुई है उसमें। ठीक है, चलिए देखना होगा युगल आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते मुंगेली से अगली बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध रेत खनन के खिलाफ मुंगेली में कार्रवाई हुई है, खनिज विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया, रेत से भरे 4 ट्रैक्टर्स को जब्त किया गया है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, मनियारी नदी में अवैध खनन की खबर लगातार हम दिखा रहे थे और कलेक्टर के निर्देश पर फौरन कार्रवाई भी की गई, 4 ट्रैक्टर्स को जब्त किया गया। तो अवैध रेत खनन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है मुंगेली में।
लगातार न्यूज 18 इस खबर से अवगत करा रहा था। अधिकारियों को लगातार इस बारे में जानकारी भी दी जा रही थी कि अवैध रेत खनन के चलते ग्रामीण भी यहां पर काफी परेशान हो रहे हैं। खनिज विभाग की तरफ से फौरन कार्रवाई की। आपके मामले से मामला संज्ञान में आया है, इसलिए खनिज विभाग के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। और चाहे इस क्षेत्र में खनिज विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, और जो भी मामला है, चाहे अवैध उत्खनन का हो, परिवहन का हो या अवैध वसूली का हो, इस पर कठोर कार्रवाई नियम के अनुसार की जाए। सही की प्रशांत से हम ज्यादा चर्चा करेंगे। प्रशांत, बड़ी सफलता न्यूज 18 के लिए ये कि हम इस खबर को प्रमुखता से दिखा भी रहे थे और उसका इम्पैक्ट भी हुआ है। जी निश्चित रूप से न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिल रहा है, और जिस तरह के रेत के अवैध खनन परिवहन की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, उस पर आज कलेक्टर राहुल देव के निर्देश के बाद खनिज विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई की है और मौके से 4 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। इसके साथ ही खनिज विभाग की टीम अभी भी मौके पर है और जो अवैध खनन है या जो अवैध वसूली की शिकायत मिल रही थी उसकी जांच कर रही है और उस पर कार्रवाई कर रही है। जिस तरह की खतरनाक तरीके से जान जोखिम में डालकर मनियारी नदी से रेत खनन किया जा रहा था और उसमें छोटे बच्चे भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे, साथ ही अवैध वसूली की भी जो शिकायत मिल रही थी उस पर तत्काल कलेक्टर राहुल देव ने संज्ञान लिया है और जो खनिज विभाग की टीम है उसे लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत जानकारी के लिए। जशपुर की अब चर्चा करेंगे। कुनकुरी में पुल के नीचे अतिक्रमण को लेकर न्यूज 18 लगातार अवगत करा रहा था आपको। न्यूज 18 की खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और आनंद फानंद में अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया। इसके बाद पुल के नीचे से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ। आपको बताएं कि पुल के नीचे अतिक्रमण कर उस पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण करवाया जा रहा था, जिसकी खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा। नोटिस मिलते ही यहां से अतिक्रमण हटाना शुरू हो गया। मुझे जानकारी मिला है कि जैसे हमने उनको नोटिस भेजा है और नोटिस का जवाब हमने उनसे मांगा और साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने के लिए बोला कि आप किस बिहाब पे आप वहाँ पे गार्ड वाल और ये कुआं खोद रहे हैं, तो उस नोटिस को प्राप्त करते हुए ऐसा मुझे सुनने में आया कि भाई अब स्वयं ही अपना बेजा कब्जा हटाने में लगा हुआ है। पेशी दिनांक मैंने उसमें 15 तारीख दिया हुआ है, क्योंकि एक उचित अवसर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह मामला निजी भूमि वर्सेस शासकीय भूमि का बनेगा लग रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, और उस भूमि का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बंटन भूमि को अवैध तरीके से उन्होंने अपने नाम पे कराया है। ऐसा अगर हमको प्राप्त होता है तो मैं बिल्कुल ही कलेक्टर साहब की ओर प्रतिवेदन भेजूंगा ताकि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्वयं कब्जा हटा भी दिया है, लेकिन अब आगे कार्रवाई? जी कार्रवाई होगी, कब्जा भले उन्होंने हटा दिया है किंतु वे अब हमारे संज्ञान में आ गए, हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है और उनसे लिखित रूप में जवाब लिया जाएगा कि उन्होंने ये ऐसा कब्जा करने का साहस क्यों किया। जशपुर में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। जशपुर के कुनकुरी में बंदरा खसरा नाला के पुल के नीचे अतिक्रमण की खबर न्यूज 18 में दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और कब्जाधारी को प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, और उसके बाद यहां पर देखिए न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है और जो कब्जाधारी है उन्होंने पुल के नीचे से अपना कब्जा हटाना शुरू कर दिया है। यहां पर देखिए कि यहां पर ऊपर जो है ये बंदरा खसरा नाले के ऊपर करोड़ का पुल बना हुआ था, सेतु निगम के द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया था, और इस पुल के ठीक नीचे कल तक यहां पर कमरे बनाए जा रहे थे, निर्माण कार्य बदस्तूर यहां पर जारी था, लेकिन जैसे ही न्यूज 18 ने नाले के बीचों बीच अतिक्रमण की खबर दिखाई उसके बाद जो है यहां पर अब यहां पर कब्जा को हटाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। कल तक यहां पर दीवारें थी और एक कमरा यहां पर बना हुआ था, तस्वीरों में देखिए अब यह कमरा यहां से पूरी तरीके से हट चुका है, मजदूर लगे हुए हैं जो लगातार यहाँ पर जो है कब्जे को हटाने का काम कर रहे हैं, और ये मजदूर देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो है तोड़ाई का काम कर रहे हैं पत्थरों की, और यहाँ पर पत्थरों को जोड़कर एक कमरा बनाया गया था और इसके आगे और कमरा बनाने की तैयारी थी, और वहीं ठीक इधर देखिए यहाँ पर पुल का पिलर है और पुल के पिलर के नीचे यहाँ पर
एक कुआं बनाया गया था, लगभग 15 फीट का कुआं जो है कब्जाधारियों के द्वारा बनवाया गया था। अब उस कुएं को भी पाटने का काम यहां पर चल रहा है। और ये देखिए कि ठीक पिलर के नीचे यहां पर जो है कुआं बनाया गया था, जिसकी वजह से पिलर कमजोर हो सकता था। और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। और अब यहां से पूरी तरीके से कब्जा हटाने का काम शुरू हो चुका है। वहीं स्थानीय लोगों ने न्यूज 18 का धन्यवाद अदा किया है, क्योंकि नाले के बीच जिस तरीके से शहर के बीचों बीच अतिक्रमण हो रहा था, और अतिक्रमण की वजह से यहां पर बारिश के दिनों में, आने वाले बारिश के दिनों में काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 में नाले के पर अतिक्रमण की खबर दिखाई गई और उसके बाद यहां पर खबर का बड़ा असर हुआ है। दीपक सिंह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। तो छत्तीसगढ़ की खबरों को लेकर लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच जबलपुर से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सेंट्रल जीएसटी ऑफिस में सीबीआई की छापेमारी देखने को मिल रही है। डिप्टी कमिश्नर कपिल कांबले रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। 7 लाख की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पान मसाला कारोबारी से 1 करोड़ की रिश्वत मांगी थी, 7 लाख रुपए घूस ले रहे थे। उसी दौरान फौरन छापामार कार्रवाई करते हुए उनको धर दबोचा है। टैक्स चोरी मामले में रिश्वत मांगी गई थी। तो ये बड़ी जानकारी जबलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सेंट्रल जीएसटी ऑफिस में सीबीआई की रेड पड़ी। डिप्टी कमिश्नर कपिल कांबले रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। 7 लाख की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ये बताया जा रहा है कि पान मसाला कारोबारी से 1 करोड़ की रिश्वत मांगी जा रही थी। टैक्स चोरी मामले में रिश्वत मांग रहे थे, 1 करोड़ की रिश्वत दी जानी थी, और जैसे ही 7 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर उन्हें दिए जा रहे थे, फौरन सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची और छापामार कार्रवाई की। यह भी आपको बताया कि डिप्टी कमिश्नर कपिल कांबले, जिनको लेकर हो सकता है कि पहले भी शिकायतें मिल रही हों, फौरन यहां पर जानकारी मिली तो सीबीआई की टीम भी पहुंची और रिश्वत लेते उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 7 लाख के घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अभी तक इस मामले को लेकर क्या कुछ खुलासे हुए हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भी आपको बताया कि टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा हो सकता है। ऐसे ही पवन पटेल जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़न कमरों कर लेते हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ खुलासे अभी तक? जी अवंतिका, ये पूरा मामला 19 मई से जुड़ा हुआ है। 19 मई को सेंट्रल जीएसटी कपिल कांबले के साथ में टीम पहुंची थी दमोह के नोहटा, जहां पर त्रिलोक चंद सेन की पान मसाला की फैक्ट्री है, और वहां पर उन्होंने छापेमार कार्रवाई की थी, जहां पर टैक्स चोरी करने की शिकायत हुई थी कि जीएसटी चोरी किया जा रहा है। जिसके बाद पीड़ित ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार 1 करोड़ रुपये की उनसे रिश्वत मांगी गई थी और 45 लाख रुपये में डील तय हो गई थी, जिसके बदले में अभी तक 35 लाख रुपए वो दे चुके हैं, लेकिन 7 लाख रुपए और बाकी था जिसकी किस्त देने आए थे। हालांकि पीड़ित का यह भी आरोप है कि महज 10 लाख रुपए की टैक्स जो है जीएसटी बकाया था उनके ऊपर, जो उन्होंने जमा भी कर दिया, उसके बावजूद कपिल कांबले द्वारा चूंकि रिश्वत के पैसे बाकी थे, इसीलिए उन्होंने अभी तक उनकी फैक्ट्री जो सीज की थी उसको खोला नहीं, और यही वजह है कि पीड़ित जो है त्रिलोकचंद सेन वो इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने सीबीआई में शिकायत कर दी, जिसके बाद सीबीआई ने आज 7 लाख रुपए की बिल्कुल बहुत बड़ी कार्रवाई, क्योंकि 1 करोड़ की रिश्वत मांगने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बहरहाल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर आपको लिए चलते हैं। सीधे बात करेंगे कवर्धा जिले की। अनियंत्रित होकर बस पलट गई है। यात्री बस जिसमें सवार 20 के करीब यात्री जो कि घायल अवस्था में फौरन अस्पताल में भर्ती करवाए गए। एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। पोड़ी पंडरिया नेशनल हाईवे पर यह पूरा हादसा। कवर्धा से लखनऊ की ओर यह बस जा रही थी। फौरन अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए आसपास ग्रामीण जितने भी मौजूद थे, स्थानीय लोग जितने भी मौजूद थे, सभी फौरन मौके पर पहुंचते हैं, मदद का हाथ बढ़ाते हैं, और उसके बाद ये जानकारी कि एक बच्चे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में इलाज लगातार चल रहा है। दुर्घटना स्थल की तस्वीरें भी आप देखिए। अनियमितताओं का भी सामने वो खुलासा आया है, लेकिन अभी तक जांच का विषय है कि किस वजह से ये पूरी बस अनियंत्रित होकर इस तरह से पलटी है। ये भी बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन नेशनल हाईवे है और इस वजह से शायद अनियमितता की खबर। कोंडा गांव की चर्चा करेंगे, जहां 2 लाख रुपए की चोरी का खुलासा हुआ है। मकड़ा के साप्ताहिक बाजार में बुजुर्ग के साथ उठाई गिरी हुई है, जिसमें पुलिस ने ओडिशा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से बाइक और चोरी की रकम बरामद की गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
और कोंडागांव शहर के बीच से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे जहां पर एक डिवाइडर बना हुआ है और हादसे को दावत दे रहा है डिवाइडर। हादसे के कारण यहां पर तमाम लोग भी काफी परेशान है। हाईवे के बीच में ये डिवाइडर बना हुआ है जिसकी हालत जर्जर हो चुकी है। लोहे का डिवाइडर लगाया गया है जो कि जगह जगह से टूटकर सड़कों पर आ गिरा है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। इस रोड से होकर आए दिन जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी गुजरते हैं लेकिन किसी की भी नजर डिवाइडर की हालत पर नहीं पड़ती। इस डिवाइडर को जल्दी ठीक नहीं किया गया तो कभी भी बड़े हादसे को ये न्योता दे सकता है। पाइपलाइन क्या जाने वाली नेशनल हाईवे 30 है जिस पर रोड डिवाइडर लगाया गया है ताकि लोग सुरक्षित सफर कर सकें। और आप ये देख सकते हैं कि रोड डिवाइडर की हालात क्या है, जो सुरक्षा के लिए लगाया गया है वही घातक साबित हो रहा है। कई महीनों से एक गाड़ी के टकराने से रोड डिवाइडर मुड़ गई है और सड़क पर आ गई है और इसे चिपक कर कई गाड़ियाँ चलती हैं और वहीं इस सड़क मार्ग से अक्सर अधिकारी भी गुजरते हैं पर सारे के सारे इस टूटे हुए रोड डिवाइडर को नज़रअंदाज कर रहे हैं। लगता ऐसा है कि वो किसी गंभीर हादसा होने के इंतजार कर रहे हैं ताकि कोई बड़ा हादसा हो उसके बाद रोड डिवाइडर को ठीक किया जा सके। बहरहाल देखना होगा कि हादसा पहले होता है या रोड डिवाइडर पहले सुधरती है। न्यूज 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। अंबिकापुर की अब चर्चा करेंगे जहां सुसाइड करने के लिए युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। प्रेमी की शादी करने से युवती नाराज थी। युवती का प्रेमी पुलिस का जवान है, अस्पताल चौकी में पदस्थ है। कोतवाली के जनपद पारा में सुसाइड करने की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, छप्पर तोड़कर घर के अंदर पहुंची, युवती के ड्रामे को खत्म कराया गया। युवती ने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवती को शांत कराया। सूरजपुर के भवरखो पंचायत के 2 दर्जन से ज्यादा पंडो जनजाति का परिवार मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। गर्मी के दिनों में यहां के निवासी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। कुएं सूख चुके हैं, हैंडपंप में गंदा पानी निकल रहा है। इसकी वजह से ग्रामीण डबरी नाले का पानी पीने को मजबूर है। पानी भी इन्हें भीषण गर्मी के बीच 3 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। दूषित पानी पीने की वजह से ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं। पंडो जनजाति के लोग पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर हैं। भैया थान एसडीएम का कहना है कि दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से सुविधाएं पहुंचाने में दिक्कत है, जल्द ही ग्रामीणों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ वासियों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलना मुश्किल नजर आ रही है। मौसम विभाग की अगर माने तो प्रदेश में मानसून के पहुंचने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। आपको बताएं कि पहले छत्तीसगढ़ में मानसून के 16 जून तक आने की संभावना थी लेकिन केरल में मानसून एक सप्ताह लेट पहुंचा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी मानसून के एक सप्ताह लेट पहुंचने की संभावना है। प्रदेश में 23 जून तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि इससे पहले भी प्री मानसून बारिश हो सकती है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। धान खरीदी पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, केंद्र चावल ले या ना ले हम धान खरीदी बंद नहीं करेंगे, झूठ फैलाकर गुमराह करने की कोशिश कर रही बीजेपी। अंबिकापुर से सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात, 120 लोगों को दिया अधिकार पट्टा, 100 युवाओं को शिक्षक भर्ती का नियुक्ति पत्र। धर्मांतरण पर छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष शरण साव का बड़ा बयान, पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में हो रहा धर्मांतरण, धर्मांतरण को लेकर आदिवासी और अन्य समाज में आक्रोश। धर्मांतरण पर अरुण साव के बयान पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पलटवार, बीजेपी नेताओं को सिर्फ बस्तर और छत्तीसगढ़ में दिखता है धर्मांतरण। बीजेपी ने शुरू की टिफिन पॉलिटिक्स, लंच लेकर कार्यकर्ताओं के पास जा रहे नेता, बीजेपी के टिफिन पर सीएम बघेल ने साधा निशाना, कहा कार्यकर्ताओं की अनदेखी सीआईए सीमा पर। 2 दिवसीय दौरे पर सरगुजा पहुंचे भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, कहा बीजेपी से डरकर कांग्रेस कर रही संभागीय सम्मेलन। राजभवन पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, सीजीपीएससी 2021 की भर्ती परीक्षा में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, राज्यपाल से मिलकर रिजल्ट की सीबीआई से जांच कराने की मांग। राजनांदगांव दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे टिफिन बैठक, ओम माथुर के साथ अरुण साव और रमन सिंह की बैठक। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बीजेपी का धरना प्रदर्शन, चिरमिरी नगर निगम का घेराव, महापौर निगम प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कवर्धा में अनियंत्रित होकर यात्री बस पलटी, हादसे में 20 लोग घायल, एक बच्चे की हालत गंभीर, कवर्धा से लखनऊ जा रही थी बस।
धमतरी में पटवारियों की हड़ताल जारी, एक महीने से चल रही है हड़ताल, राजस्व निरीक्षकों का भी समर्थन। जशपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, तहसीलदार ने कब्जाधारियों को जारी किया नोटिस, नोटिस मिलते ही पुल के नीचे से हटाया जा रहा अतिक्रमण। चुनावी साल में धान पर सियासी घमासान, सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा धान खरीदी पर बीजेपी बोल रही है झूठ। कोरबा में फ्रिज में निकला सांप, सांप को देखकर घर वालों के उड़े होश, सूचना पर पहुंची स्नेक रेस्क्यू टीम। रायपुर में निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक के पास मिली युवक की लाश, मृतक युवक के शरीर पर कई चोट के निशान, राखी थाना क्षेत्र का मामला। धमतरी में व्यापारियों के सोने दुकान में चोरी, लाखों की जेवर नगदी ले उड़े चोर, सीसीटीवी फुटेज खंगाले में जुटी पुलिस। मुंगेली में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, खुलेआम मनियारी नदी से रेत का अवैध खनन, रेत के खुले खेल पर खनिज विभाग मौत। कोंडागांव में 2 लाख रुपए की चोरी का खुलासा, ओडिशा से पकड़े गए 2 आरोपी, आरोपियों के पास से मोटरसाइकिल और चोरी की रकम बरामद। लंबा हुआ मानसून का इंतजार, सूबे में एक सप्ताह देरी से पहुंचेगा मानसून, 23 जून तक मानसून छत्तीसगढ़ पहुंचने की। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।